हेलो फ्रेंड्स, ये चल रहा है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग अभी लेने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी के कुछ सेट्स हो चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक और सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियाँ दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है, आपको ये बताना है कि किसके पास ये शक्ति है मौलिक अधिकार को लागू करने का। ये शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। किसके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे और इसी कारण से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? उस वक्त प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो होता है उनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? उनका नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे कि और सब राज्यों में होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आप इसमें चुनाव आयोग मत मारना, ये पंचायती, इसमें पंचायती के पंचायत के चुनाव में जो भी डिसीजन होता है वो सब राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी संस्था है? ये एक प्रशासनिक अधिकरण है। कैसा कैसा है? यह एक प्रशासनिक अधिकरण है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में? तो यह टोटल 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषा है जिनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली हुई है। और कौन से अनुच्छेद में, सॉरी अनुसूची में है ये? यह अनुसूची 8 में। किसमें है? अनुसूची 8 में। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह आपका संविधान संशोधन 61। कौन सा है? 61। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन था जो 61 था। ठीक है, अब ये हुआ कब? 61 संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। अच्छा, एक्चुअली में इसको लिखा क्या जाता है? इसको लिखा जाता है 61 संविधान संशोधन 1988। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज मत करना। एक्चुअली में 1988 में ये लाया गया था। ठीक है, लेकिन ये पास होके और एग्जीक्यूट कब से होने लगा? ये हो गया 1989। तो अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1989। और इसमें संशोधन किया गया था कौन से अनुच्छेद में? 326 आर्टिकल में। आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326 में। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन करके रख लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। तो आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था और उसमें संशोधन करके जो वोट देने का अधिकार है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, और ईयर कौन सा था? ईयर था 1989। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लो। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 2007 में जो संशोधन हुआ उसके बाद अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो यह है टोटल 1206। ठीक है, तो 2007 में संशोधन हुआ था, उसके बाद टोटल जो अनुसूचित जातियों की संख्या है वो है 1206। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? यह है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है ये। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 6 वर्ष मार देते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा जिसके बाद वह एक अधिनियम बन जाएगा, क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं उसको, उस बिल को, तब वह जाके अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का सहमत होना जरूरी है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, वो कौन है? तो कौन है वो? वो है हमारे देश का महान्यायवादी। हमारे देश का जो भी महान्यायवादी है वो एक गैर संसद है। ठीक है, वो संसद तो है नहीं, वो सांसद है नहीं, संसद के सदस्य नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो किसी भी डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनका कैमा राष्ट्रपति का पोजिशन था, तो इनका था 12वां। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का 12वां था। उसके बाद कौन बने? श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद बने प्रणब मुखर्जी, इनका था 13वां। और अभी कौन है? तो अभी हैं हमारे रामनाथ कोविंद, तो इनका कौन सा है? इनका है 14। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, 13, 12, 13 और 14। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का हो गया 12, उसके बाद आए प्रणब मुखर्जी, उनका था 13वां, और अभी है रामनाथ कोविंद जी, तो इनका है 14वां। ठीक है, इन तीनों का आप याद रखो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर अभी याद रखोगे तो इतना सा 2-3 पीछे तो आप आराम से जा ही सकते हो। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इनका मानसूत्र यानी ब्रेंच चाइल्ड है, यानी किनका देन है? जो चलित न्यायालय होता है यानी कि न्यायालय को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप किसी भी वैन में अगर कुछ भी रखते हो तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, उसी तरह से मोबाइल कोर्ट है। ठीक है, यह है चलित न्यायालय। तो यह किसका देन है? तो भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, ये देन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनको अगर रिजाइन करना है तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो लिखेंगे वो किसके नाम से लिखेंगे? तो वो लिखेंगे राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? आप जानते हो सिख लोग कृपाण रखते हैं अपने साथ हमेशा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सिखों को कृपाण धारण करने का आजादी देता है। कौन सा अनुच्छेद है वो? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया कि धार्मिक कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो भी धार्मिक आपका सिंबल्स वगैरह है, कुछ भी है, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 25 के तहत उनको ये परमिशन मिला है, वह कृपाण धारण कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, आप जानते हो राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसेस है महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट अगर लगाना है राष्ट्रपति पर तो कैसे लगा सकते हैं? तो वो लगा सकते हैं संसद के किसी भी सदन के द्वारा। आप किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, आप एक बिल लाओ, हम महाभियोग लगाना चाहते हैं, फिर महाभियोग लगाओ, अगर दोनों जगह से पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति में महाभियोग लग जाएगा। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, तो राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा दिया जाता है राज्यपाल को वेतन और भत्ता। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, क्या बोला जा रहा है? केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, तो आपको बताना है कि कैसे। तो वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता, वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता, ये पोजिशन जो दिखाता है, ये दिखाता है कि राज्य और केंद्र के संबंध में राज्य का स्थिति एक नगर पालिका की तरह होता है इस फील्ड में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया जाता है? तो हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया संविधान में? तो ये है आपका भारत और इंडिया। क्या कहा गया संविधान में? भारत और इंडिया, ये दो नाम मिलता है। आप याद रखना संविधान में हिंदुस्तान नाम का चर्चा नहीं है। ठीक है, तो संविधान में बस दो ही नाम है, भारत तथा इंडिया।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार, जो भी आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा मूल अधिकार है जो नहीं दिया गया? वो है लिंग समानता का अधिकार। हमारे समाज में ऐसा है कि लिंग समानता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है कि लिंग समानता का अधिकार है हमारे पास। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री हुई? वो है उत्तर प्रदेश। और उस मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो उनका नाम था सुचिता कृपलानी। आप जानते हो सुचिता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा किसमें प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? ये किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ठीक है। अब आपके अनुच्छेद 40 में, जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि पंचायत होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो, इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है, आपके ऑप्शन में 40 भी रह सकता था। तो अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है, तो उसमें ये कहा गया है कि पंचायत होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। लेकिन आपका जो पंचायती राज का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी है उसका, वो सब कहाँ है लिखा हुआ? वो है अनुच्छेद 243 में। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 243 में। 40 में बस ये कहा गया है कि पंचायती राज होना चाहिए। तो दो तरह का क्वेश्चन आपसे आता है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि पंचायती राज लागू होना चाहिए, तो ये है अनुच्छेद 40। लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कहाँ प्रदान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 में। केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो कौन सा वो अधिनियम था जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है, एक है भारत सरकार अधिनियम 1919 और एक है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब 19 में क्या हुआ था, 35 में क्या हुआ था, क्यों मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं कि 19 में हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1919 में। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था 1935 में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, इसे ये पूछा जा सकता है कि केंद्र में द्वैत शासन लागू तो हुआ 1935 में, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त 1935 में ही किया गया था और यहाँ पे केंद्र में लगाया गया था, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया था, ये किया गया था 1935 में।